मैं अभय कुमार, 11th भौतिकी के सभी विद्यार्थियों का क्वांटम फिजिक्स क्लासेस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ द व्यूअर्स ऑफ दिस YouTube चैनल क्वांटम फिजिक्स क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 11th फिजिक्स। आज से मैं 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लगभग 20 दिन पहले मैंने 12th का फिजिक्स भी स्टार्ट किया था, विद्यार्थियों को देखते हुए, सुविधा को देखते हुए हित में। अब 11th के विद्यार्थियों को की सुविधा के लिए भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, हिंदी लैंग्वेज में भौतिक संसार। और इसका फर्स्ट टॉपिक है भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज दिस चैप्टर इज व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, यूनानी वर्ड से आया है, फ्यूसिस, जिसका नाम है फ्यूसिस। फ्यूसिस मीन्स नेचर। वैसे फिजिक्स में हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का अध्ययन स्टडी करते हैं। फिजिक्स में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव चीज़ों का स्टडी किया जाता है। तो फिजिक्स जो है कम्स फ्रॉम a Greek word, Greek means यूनानी, यूनान का शब्द है फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस meaning nature। फ्यूसिस का अर्थ होता है मीनिंग नेचर, मीनिंग नेचर, NATURE, नेचर माने प्रकृति, हिंदी में नेचर को प्रकृति कहा जाता है। दैट इज फ्यूसिस मीन्स नेचर। तो हम फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, मीनिंग तो इसका क्लियर हो गया है कि ग्रीक वर्ड से आया। फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो एक यूनानी ग्रीक वर्ड से हुई जिसका नाम फ्यूसिस है और उसका अर्थ होता है नेचर। और यह भी हमने बतलाया शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही, कि फिजिक्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करता है फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स का जो सूटेबल डिफिनीसन है वह उसके ग्रीक नेम से ही क्लियर हो रहा है कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स जो है साइंस का वह ब्रांच है जो नेचर का और नेचुरल, नेचर में जो फेनोमेना होता है, प्राकृतिक घटनाएं जिसको कहते हैं हिंदी में, उसका स्टडी करता है। प्राकृतिक नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटना में जैसे दिन रात का होना, मौसम परिवर्तन है, देखते हैं कभी जाड़ा कभी गर्मी बरसात, ये सब सीजन चेंज जो है ये सब भी प्राकृतिक घटना है। स्काई में रेनबो आप देखते हैं बरसात के दिनों में, रेनबो का फॉर्मेशन, इंद्रधनुष का बनना, वो भी प्राकृतिक घटना है। इसके अलावा पृथ्वी का और अन्य ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ घूमना, सन के अराउंड घूमना, ये भी प्राकृतिक घटना है, ये सब प्राकृतिक घटनाएँ हैं। समुद्र में टाइड्स उत्पन्न होता है, लहरें उत्पन्न होती हैं, लहरें उठती हैं समुद्र का पानी। जब फुल मून डे होता, फुल मून होता है पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन, उसका अट्रैक्शन पावर जो है मून का अर्थ पर सबसे ज़्यादा होता है। और वाटर जो है टाइड्स के रूप में जो है वाटर का, वाटर जो है टाइड्स के रूप में ऊपर उठता है, रेज करता है, तो इसको टाइड्स का फॉर्मेशन कहा जाता है। तो वो भी एक नेचुरल फेनोमेना है। तो ये सब नेचुरल फेनोमेना का स्टडी हम पेड़ से फल का गिरना,
है ना, फॉलिंग ऑफ ए फ्रूट फ्रॉम ए ट्री, यह भी एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फेनोमेनन है। तो फिजिक्स जो है बहुत विज्ञान का, साइंस का वह ब्रांच है जिसमें नेचर का, क्योंकि फ्यूजन मीन्स नेचर, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना का स्टडी किया जाता है। तो यू कैन राइट डाउन इट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, विच इज द सुटेबल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटनाओं को नेचुरल फेनोमेना कहा जाएगा, जो प्रकृति में नेचर में अकर होता है, नेचुरल फेनोमेना, फेनोमेनन का प्लुरल फेनोमेना। एंड दीज नेचुरल फेनोमेना आज रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी एंड दे आर इंटर कन्वर्सन्स, मैटर पदार्थ से और उसका एनर्जी से, कोई पदार्थ है तो उसे एनर्जी एसोसिएटेड है, मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं हम आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन के अनुसार। तो दीज नेचुरल फेनोमेना आर एसोसिएटेड विथ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्सन, तो इसमें हम जोड़ सकते हैं और ये परिभाषा ज़्यादा सटीक हो जाएगा। ऐसे तो ये डिफाइन हो गया फिजिक्स, लेकिन इसको थोड़ा सा और इसको व्यापक करते हुए, इनलार्ज करते हुए, जनरलाइज करते हुए, रिलेटेड टू या एसोसिएटेड विथ, रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विथ, associated with matter and energy and their interconversions, matter का energy mass को energy में, energy को mass में, and their interconversion and their, write down this definition of physics, their interconversions अब सवाल उठता है कि नेचर क्या है? नेचर हुआ ऑल थिंग्स सराउंडिंग अस, नेचर मींस ऑल थिंग्स सराउंडिंग अस, हमारा एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज है वो सब नेचर है। नेचर मींस, नेचर का मतलब हुआ ऑल थिंग्स सराउंडिंग अस, थिंग्स सराउंडिंग अस नेचर हो गया, ऑल थिंग्स सराउंडिंग अस कॉन्स्टिट्यूट नेचर। एंड नेचुरल फेनोमेना, द फेनोमेना अकर्स इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फेनोमेना, जो भी भौतिक घटना है, जो भी प्राकृतिक घटना, मतलब नेचर में जो हैपन होता है फेनोमेना, उसको नेचुरल फेनोमेना कहा जाता है। नेचुरल फेनोमेना दोज फेनोमेना अकर इन नेचर, फेनोमेना माने प्राकृतिक घटनाएं, अकर जो घटनाएं अकर होती है नेचर में, अकर इन नेचर प्रकृति में जो घटना अकर होती है, प्रकृति का मतलब हमारे परिवेश को प्रकृति कहा जाता है, हमारे परिवेश में जो भी चीजें हैं सब प्रकृति है, सब मिलके प्रकृति, इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फेनोमेना, आर कॉल्ड नेचुरल फेनोमेना। एग्जाम्पल में पहले भी बताया, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट
सीजन चेंज, चेंजिंग ऑफ सीजन्स, सीजन चेंज, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स अराउंड द सन, फॉर्मेशन ऑफ टाइड, ऑफ टाइड्स इन द सी, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई इन रेनी सीजन, आसमान में इंद्रधनुष सात रंग की आकृति पट्टी बैंड दिखलाई देता है, कर्व बैंड, उसको इंद्रधनुष कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। और ये फिजिक्स के फेनोमेनन पर भी बेस्ड है, तीन फेनोमेना इसमें होता है इंद्रधनुष के फॉर्मेशन में, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन जिसको रिफ्लेक्शन, एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्सन होता है। वाटर ड्रॉप जो होता है वह प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है, और जब सनलाइट उस पर पड़ता है तो सात रंग की उससे आकृति जो है, सात रंग का बैंड जो है एपियर हो जाता है। तो सभी फेनोमेना उसमें मिला हुआ है, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, तीनों फेनोमेना का मिक्सड, तीनों फेनोमेना का रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई, इंद्रधनुष का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। In the sky, rainbow in the sky. ETC, these are the examples of natural phenomena, जो नेचर में अकर होता है, प्राकृतिक घटनाएं, उसका कुछ एग्जाम्पल हो गया। और इस एग्जाम्पल से जो है, ये नेचुरल फेनोमेना जो है फिजिक्स में बहुत सारा चीज़ों का इन्वेंशन का, बहुत सारे फिजिक्स में नियमों का खोज करने का ये कारण है। इस नेचुरल फेनोमेना से ही साइंटिस्ट ने बहुत सारे नियमों का डिस्कवरी की, बहुत सारे चीज़ों का इन्वेंशन किया, बहुत सारे नियमों का आविष्कार किया। जैसे पेड़ से फल गिरने की घटना, पेड़ से सेब गिरने की घटना, एप्पल गिरने की घटना को देखकर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन का खोज कर दिया। उसी हमसे जेम्स वाट ने केतली में पानी रखने वाला जो केतली है, या चाय बनाने वाला केतली, तो उसमें ढक्कन लगा हुआ, उसमें पानी को गर्म करने पर भाप से जो है केतली का ढक्कन में गति होती है। तो इसको देख करके जेम्स वाट ने थर्मोडिनामिक्स, और थर्मोडिनामिक्स का मतलब मोशन ड्यू टू हीट, स्टीम इंजन का इन्वेंशन कर दिया। तो ये जो नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना से ही फिजिक्स में या साइंस में बहुत सारे नियमों का या बहुत सारे चीजों का आविष्कार हुआ। दीज फेनोमेना आर द रूट्स ऑफ डिफरेंट इन्वेंशंस एंड डिफरेंट थ्योरीज और लॉज इन फिजिक्स और इन साइंस। तो ये हो गया नेचुरल फेनोमेना। अब इसके बाद हम साइंस और साइंटिफिक मेथड के बारे में देखेंगे। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस, साइंस जिसको हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, और ये भी एक लैटिन वर्ड से आया है सिंटिया, जिसका नाम है सिंटिया, और सिंटिया का अर्थ होता है टू नो, नो और नॉलेज, माने सिस्टमेटिक नॉलेज होना, सिस्टमेटिक नॉलेज गेन करना थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। आदमी सिस्टमेटिक नॉलेज कैसे गेन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उससे ऑब्जर्वेशन मिलता है, उससे करता है। तो सिस्टमेटिक नॉलेज
गेंड फ्रॉम गेंड बाय द गेंड बाय द माइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस पहले जो है आया कहां से, ये लैटिन वर्ड से है, द वर्ड साइंस राइट डाउन प्लीज कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सिंटिया, SCIENTIA, सिंटिया ये लैटिन वर्ड है मीनिंग इसका अर्थ होता है जानना, टू नो और नॉलेज, जानना टू नो और नॉलेज। साइंस का अर्थ होता है सिंटिया से, सिंटिया का मीनिंग होता है, सिंटिया से आया लैटिन वर्ड से जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो और नॉलेज। और साइंस को हम डिफाइन कर सकते हैं इसी आधार पर, साइंस द सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक का मतलब व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमैटिक नॉलेज गेंड बाय यस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस एंड द ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड साइंस। साइंस को हम डिफाइंड कर ले गए इसके मीनिंग के आधार पर, लैटिन वर्ड सिंटिया के आधार पर जिसका अर्थ होता है नाम जानना। तो सिस्टमेटिक नॉलेज जो है गेंड बाय अस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड द ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड साइंस। तो ये साइंस डिफाइन हो गया। नाउ साइंटिफिक मेथड साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ तो उसमें कुछ स्टेप था, कुछ प्रोसीड्योर था जिसका फॉलो करना पड़ा। साइंटिस्ट ने उस प्रोसीड्योर को फॉलो किया तब जाकर के साइंटिफिक मेथड बना। तो उसके लिए साइंस का डेवलपमेंट हुआ। इट इज बेस्ड ऑन फोर थिंग्स, फोर स्टेप्स, फोर मेथड्स कंबाइंड टूगेदर आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट है उसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रीडिंग लेना, ऑब्जर्व करना जितना हो सके, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन रीडिंग लेना। सेकंड है उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसका लॉजिकल बिहेवियर को देखना, और थर्ड है उसके आधार पर, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ मॉडल जो है साइंटिस्ट जो है मॉडल देता है, मॉडल का देना, प्रारूप, मॉडल को प्रारूप कहते हैं, जैसे बोर मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, एटम मॉडल है, तो ये सब मॉडल हो गया। और चौथा स्टेप है कुछ चीज़ें जो कि ऑब्जर्वेशन से क्लियर नहीं होती है तो उसके बारे में साइंटिस्ट जो है भविष्यवाणी करते हैं, उसके बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं। तो ये चारों चीज़ मिला करके साइंस का डेवलपमेंट हुआ, और उन सबको एक साथ मिला करके साइंटिफिक मेथड कहा जाता है।
राइट डाउन द मेथड्स यूज्ड यूज्ड टू डेवलप साइंस आर इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड एंड द मेथड्स adopted by the scientists for the development of science, for the development of science are number one systematically observation reading लेना होगा कोई experiment का लिया जाता है systematic observations और दूसरा रीजनिंग हुआ उस पर आधारित जो है उस ऑब्जर्वेशन से जो आया रिजल्ट उसको रीजनिंग माने उसका रीजनिंग लॉजिकल जो कि तर्क पर आधारित हो लॉजिकल रीजनिंग सेकेंड स्टेप हो गया डेवलपमेंट ऑफ साइंस का रीजनिंग थर्ड इज मॉडल मेकिंग ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट के आधार पर साइंटिस्ट जो है मॉडल देते हैं तो मॉडल थर्ड प्रोसेस हो गया डेवलपमेंट ऑफ साइंस का थर्ड जो आपका मेथड हो गया मॉडल मेकिंग एंड फोर्थ प्रेडिक्शंस मेकिंग प्रेडिक्शंस जो चीज़ क्लियर नहीं है ऑब्जर्वेशन से उसके बारे में प्रेडिक्शन भी करते हैं साइंटिस्ट के ऐसा हो सकता है और बाद में उसमें जो आने वाले जो साइंटिस्ट हैं उसमें उस चीज़ पर काम करके उसमें संशोधन करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं तो मेकिंग प्रेडिक्शंस प्रेडिक्शन किया जाता है जो चीज़ क्लियर नहीं है ऑब्जर्वेशन से स्पष्ट नहीं है उसके बारे में तो ये चार स्टेप है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन रीडिंग से जो उसको जो है देखा जाता है उसे क्या रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग उसका किया जाता है रीजनिंग पर आधारित सिस्टम ऑब्जर्वेशन सही है कि नहीं उसको देखा जाता है और तीसरा उस ऑब्जर्वेशन से क्या जो रिजल्ट प्राप्त हुआ तो उस रिजल्ट के आधार पर एक प्रारूप तैयार किया जाता है जिसको मॉडल मेकिंग कहते हैं और मेकिंग प्रोडक्शन जो चीज़ ऑब्जर्वेशन से क्लियर नहीं है जो क्लियर चीज़ नहीं होता है साइंटिस्ट को तो उसके बारे में प्रेडिक्शंस किया जाता है उसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है तो वही प्रेडिक्शंस हुआ बाद के साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं आकर के उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना होता है तो इन चारों चीज़ों को मिला करके दीज फोर मेथड्स कंबाइंड टूगेदर इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड दीज four methods combined together चारों चीज को मिला करके साइंस का डेवलपमेंट हुआ इसको साइंटिफिक मेथड कहा जाता है combined together is called scientific method तो ये साइंटिफिक मेथड हो गया अब साइंटिफिक मेथड जो है साइंस के न्यू नॉलेज का एक साधन है एक मींस है न्यू नॉलेज का और साइंटिफिक मेथड से साइंस में जो लॉज डेवलप होता है उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल तो यू शुड राइट डाउन नाउ साइंटिफिक प्रिंसिपल साइंटिफिक मेथड हो गया नाउ साइंटिफिक प्रिंसिपल
साइंटिफिक प्रिंसिपल, इसको हिंदी में वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, दो प्रिंसिपल्स ऑब्टेंड, प्रिंसिपल्स कहिए या इसको लॉज भी कह सकते हैं, लॉज ऑब्टेंड ऑब्टेंड कहां से, साइंटिफिक मेथड से, फ्रॉम, क्योंकि साइंटिफिक मेथड से ही साइंस का नॉलेज प्राप्त होता है, तो साइंटिफिक मेथड से जो प्रिंसिपल प्राप्त हुआ, जो लॉज साइंस में प्राप्त हुआ, उसी लॉज को हम साइंटिफिक प्रिंसिपल कहेंगे। ऑब्टेंड फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड scientific method are called scientific principle. तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल में भी साइंटिस्ट जो है समय समय पर इसमें मॉडिफिकेशन होता है, और मॉडिफिकेशन से भी काम नहीं चलता है तो उसको नया प्रिंसिपल जो है अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कि शुरू में मानना था कि अर्थ जो है सेंटर पर है और सभी प्लैनेट उसके चारों अराउंड घूमते हैं, बाद में उसको चेंज करके सन को जो है सेंटर पर माना गया, सेंट्रल बॉडी सन को, और उसके अराउंड जो है सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो समय समय पर इसमें चेंज आते रहता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में इसीलिए प्रेडिक्शन किया जाता है कि उसमें समय समय पर मॉडिफिकेशन किया जा सके, उस मॉडिफिकेशन से काम नहीं चले तो उसको जो है नया प्रिंसिपल एडॉप्ट किया जा सके। उसी ढंग से न्यूटन्स लाइट में ही पहले आया, न्यूटन्स का कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से कॉर्पस्कुल से बना है, तो इससे तो लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्लियर है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, प्रकाश का प्रावर्तन और अपवर्तन का जो नियम है, घटना है, वो भी एक्सप्लेन हो गया। लेकिन इसके हेल्प से डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन क्या है, किसी प्रकाश के रास्ते में कोई अवरोधक रहता है, ऑब्स्टेकल रखा जाता है, तो प्रकाश उसके एज से, उसके कॉर्नर से स्ट्राइक करने के बाद उसके ज्योमेट्रिकल साइडों में मुड़ जाता है, उसकी छाया में मुड़ जाता है, ज्यामितीय छाया में। तो इस घटना को विवर्तन डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो रिफ्रैक्शन स्पष्ट क्लियर नहीं हुआ, इंटरफेरेंस व्यतिकरण की घटना जो है उसमें भी लाइट वेव आपस में मिल करके जो है प्रकाश का जो है रचनात्मक और विनाशी व्यतिकरण, माने प्रकाश और अंधेरा, कहीं प्रकाश उत्पन्न होगा अधिक मात्रा में, कहीं प्रकाश की तीव्रता काफ़ी न्यूनतम हो जाती है, तो उसको डार्कनेस कहा जाता है। तो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज उसमें बनता है व्यतिकरण की घटना में। तो ये सब घटना को हम 12 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है चूँकि इसका जिक्र आया तो ये न्यूटन का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो क्लियर है, प्रकाश का सरल रेखीय गमन, प्रकाश का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी क्लियर है, लेकिन इससे डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, ये सब जो घटना है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये जो न्यूटन का जो थ्योरी है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये जो है डिसअलाउ हो गया। उसके बाद हाइगंस का वेव थ्योरी आया, उसमें मॉडिफिकेशन हुआ उसके हाइगंस ने, और हाइगंस के वेव थ्योरी के आधार पर जो है इंटरफेरेंस को भी हम एक्सप्लेन कर पाए, और डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो एक्सप्लेन होता ही है, लेकिन पोलराइजेशन जो है का फिनोमेनन, पोलराइजेशन में होता है कि लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर को एक खास पार्टिकुलर प्लेन में प्रकाश के गमन की, प्रकाश के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में
फिक्स कर दिया जाता है प्रकाश के विद्युतीय सदिश के कंपन को। माने प्रकाश का कंपन जो है एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित तल में, समतल में फिक्स कर दिया जाए, उसको प्रकाश का पोलराइजेशन, प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। लेकिन प्रकाश का ध्रुवन की व्याख्या जो है, का एक्सप्लेनेशन हाइगंस थ्योरी भी नहीं कर पाया, इसलिए कि प्रकाश का जो नेचर होता है, प्रकाश ट्रांसवर्स नेचर का होता है, अनुप्रस्थ स्वभाव का होता है। अनुप्रस्थ स्वभाव में क्या होता है कि माध्यम के कण का, मीडियम पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होगा वह प्रकाश के गमन की दिशा के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। तो हाइगंस ने प्रकाश को लॉन्गिट्यूडनल नेचर का मान लिया, अनुदैर्ध्य नेचर का मान लिया, जिसमें जिधर वेव का ट्रेवल होगा उधर ही जो है मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करेगा उसी डायरेक्शन में, तो ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। तो हाइगंस थ्योरी सभी चीज़ को सफल एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन ये पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके आधार पर फिर जो है क्वांटम थ्योरी आ गया, प्लांक के द्वारा क्वांटम थ्योरी आया, उसके बाद डी ब्रोगली के द्वारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर, मतलब प्रकाश के अलावा द्रव्यात्मक कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी प्रकाश और कण दोनों का स्वभाव रखता है, तो ये आया। तो अभी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का यूज हो रहा है, प्रकाश को दोनों स्वभाव का माना जाता है, कण का और वेव का। तो इस ढंग से बराबर जो है समय समय पर, समय के साथ मॉडिफिकेशन साइंटिफिक मेथड में होता रहता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल में होता रहता है। तो और ये आगे भी जारी होगा। अब परमाणु के ही थे, अगर एटम के ही बारे में देखा जाए तो पहले थॉमसन का मॉडल आया, डिसेलाउ हो गया तो रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड के मॉडल में भी उसमें भी लिमिटेशन हुआ, उसमें भी कमियां खामियां ड्रॉबैक्स पाया गया, तो बोर मॉडल आया। बोर मॉडल में भी सब चीज़ को एक्सप्लेन कर नहीं कर पाया बोर मॉडल, केवल जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसे ही एटम के लिए जो है बोर मॉडल उसके स्पेक्ट्रम को, फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, केवल हाइड्रोजन को ही एटम के का ही के बारे में जो हाइड्रोजन एटम के बारे में ही एक्सप्लेन कर पाता है बोर मॉडल। उसके बाद बोर सोमरफील्ड का मॉडल आ गया, उसी में सर्कुलर ऑर्बिट से इलिप्टिकल ऑर्बिट का। तो ये सब मॉडिफिकेशन हमेशा समय समय पर होता रहता है। तो यही आज का ये जो टॉपिक हुआ, साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक प्रिंसिपल पूरा हुआ, जिसके बारे में हमने समझाया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी इसको ठीक ढंग से समझा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स और भी इसमें जो पार्ट टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।